नमस्कार, स्वागत आपका पुनः मेरे चैनल पंकज दशकंठी पर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद 1K सब्सक्राइबर देने के लिए। अब शुरू करने वाला हूं अपना मेन काम, जिस उद्देश्य बनाया था चैनल। अब बहुत डिफरेंट टाइप के वीडियो आपको मिलेंगे, और या ये कहें कि मैं रुका हुआ था इस टारगेट को पाने के लिए, क्योंकि मुझे लाइव का ऑप्शन नहीं था। कुछ वीक में मुझे लाइव का ऑप्शन भी मेरा ऑपरेट हो जाएगा, सीख जाऊंगा, उसके बाद लाइव वीडियो आपको मिलेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मिलेंगे। तो बहुत कुछ आपको समझाना है, बतलाना है और बहुत कुछ आपसे सीखना है। उसी कड़ी में आज का ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो भी बच्चे पीएचडी में आवेदन करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत, क्योंकि आज का भी वीडियो और आज ही का पहला वीडियो भी एक पीएचडी के आवेदन के लिए ही था बीएचयू का। और ये वीडियो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर दरभंगा के संदर्भ में। जी हाँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि कामेश्वर दरभंगा में, उसके आ चुके पीएचडी के आवेदन फॉर्म्स के विषय में। तो कैसे भरना है फॉर्म, कब तक भरना है फॉर्म, क्या है फीस, क्या है एंट्रेंस, कितनी है, किस सब्जेक्ट में सीटें, ये सभी आज आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ और ज़रूरी सवाल जवाब और महत्वपूर्ण डेट्स एडमिशन से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म तक और क्लासेस और सब्जेक्ट सभी पे करेंगे डिस्कशन। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगने के बाद लाइक, बुरा लगने के बाद डिसलाइक, सवाल होने पर कमेंट में लिखिएगा सवाल, कौन सी बात नहीं आई समझ में जरूर पूछिएगा। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है अपनी इच्छा से आप वह करिए, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना ही कुछ मीठे मिलेगा। सबसे पहली चीज, 10 दिसंबर को आया था नोटिफिकेशन इस विश्वविद्यालय का एडमिशन के लिए, और अगले दिन 11 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म हो गए थे शुरू एडमिशन के लिए। जी हाँ, और अंतिम डेट है इस विश्वविद्यालय की फॉर्म भरने की, वह भी बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए, और यह भी समझ लीजिए विश्वविद्यालय के विषय में, क्योंकि केवल एडमिशन के विषय में सूचना देना ही मेरा काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा बहुत आपको विश्वविद्यालय के बारे में भी जानना, उसकी रैंकिंग या उसकी मान्यता, इस विषय में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जरूर सर्च कीजिए, विश्वविद्यालय का बैकग्राउंड देखिए, पूर्व का रिकॉर्ड देखिए, तभी कीजिए आवेदन। ऐसा ना हो आवेदन करने के बाद, फी जमा करने के बाद आपको लगे कि आपने किसी गलत विश्वविद्यालय में, गलत पाठ्यक्रम में, गलत जगह एडमिशन के लिए आवेदन कर दिया है, इस बात सचेत रहें। इसलिए पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखें, प्रोस्पेक्टस को देखें, संतुष्ट होने के बाद ही आवेदन करें। चाहे मेरा कोई भी वीडियो हो, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में आप कर रहे हो आवेदन, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि आवेदन करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद और एडमिशन लेने के बाद आप अपने आप को कोसेंगे, और जिस माध्यम से और जिस व्यक्ति से मिली है आपको सूचना, आप उसको भी 100 गालियां देंगे। तो इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। अब आते हैं इस 3 मिनट के बाद विषय पर। 55% यदि आपके अंक है मास्टर डिग्री में, याद रखिएगा, यदि आपके 55% अंक है मास्टर डिग्री में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के हैं और ईबीसी और बीसी और एससी और एसटी हैं, उनके लिए 50% अंक होना मास्टर डिग्री में बेहद ज़रूरी है, वह अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली चीज, कुछ कैटेगरी कह लीजिए या कुछ प्रवेश परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वे सीधा इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन आवेदन उनको भी करना है। जिनको आवेदन करना है एडमिशन के लिए, वे सभी करेंगे आवेदन, लेकिन जो एग्जामटेड हैं और जो एग्जामटेड नहीं हैं, लेकिन दोनों ही बच्चों को आवेदन करना ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब समझिए एग्जामटेड कौन है, बीईटी पास आउट स्टूडेंट, पीएटी 2018, पीएटी 2019 और एलएनएम एंड ए सिक्योरिटी और रिसर्च स्कॉलर एंड फेलोशिप धारक, और जिनका डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीएसटीएस, सीएसएसआईआर और आईसीएचआर का इस प्रकार का कोई भी फेलोशिप या स्कॉलरशिप है, या जिनके पास नेट है, या जेआरएफ स्टूडेंट है, ये सभी एग्जामटेड है। मैं फिर से कैटेगरी आपको दोबारा बता दूं कि कुछ कैटेगरी के बच्चे, कुछ एग्जाम पास बच्चे और कुछ विश्वविद्यालयों की फेलोशिप से संबंधित बच्चों को एग्जाम फिट किया गया है। एक एक करके सुनिएगा, नेट, जेआरएफ, बैट, पैट 2018-19 और एलएनएमयू, और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिलती है इन संस्थानों की, डीबीटी, ICMR, ICAR, DSTR, CSSIR और ICMR के, अगर आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप है तो आप एग्जामटेड हैं
एंट्रेंस एग्जामिनेशन से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, अप्लाई कैसे करेंगे और लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 दिसंबर 2020। समय नहीं दिया गया है, लेकिन डेट दी है, समय नहीं दिया है, लेकिन 31 दिसंबर का मतलब 31 दिसंबर मत रखिएगा, 29 या 30 दिसंबर तक अपने फॉर्म को और फीस को सबमिट कर दीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि साल का अंतिम महीना है, अंतिम वीक है, अंतिम दिन है और सेशन भी अंत होने वाला है, तो वेबसाइट और सर्वर फेल भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, उससे बचने के लिए 29 दिसंबर तक किसी भी हाल में अपने फॉर्म को कंप्लीट करके फीस सबमिट कर दीजिएगा, तो आपको ही लाभ होगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रेशर कम पड़ेगा, इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान, 31 दिसंबर तक कर दीजिएगा अप्लाई। अगली चीज कि अगर कोई बच्चे फीस जमा नहीं कर पाते हैं 31 दिसंबर तक, तो उन बच्चों को मौका है, कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए गए हैं लेकिन प्लस फाइन के साथ में, 31 दिसंबर तक फॉर्म सबमिट करने के और फीस जमा करने के नॉर्मल चार्जेस हैं जो विश्वविद्यालय ने मांगे हैं। उसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन तो कर देता है, फॉर्म तो फिल कर देता है, लेकिन फीस जमा नहीं कर पाता है, तो उस स्टूडेंट्स को लेट फीस के साथ अपना फॉर्म सबमिट करने की और फीस जमा करने की अनुमति है। तो पहले आप फीस समझ लीजिए कि फीस कितनी है। लेट फीस रखी गई है 500 रुपये की, जी हाँ 500 रुपये की लेट फीस है, और यह है सभी बच्चों पर लागू होगी जो भी लेट से फीस जमा करेंगे या कहें कि 31 दिसंबर के बाद से फीस जमा करेंगे। लास्ट डेट क्या है फीस जमा करने की लेट फीस के साथ, वह भी आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। जर्नल बीसी और ईबीसी कैटेगरी के बच्चों की फीस है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 3000 रुपये की, 3000 रुपये की। SC ST वुमेन EWS वुमेन एंड PWD कैटेगरी के बच्चों की फीस है 2000 रुपये की, 2000 रुपये। और लेट फीस के साथ है, अगर आप लेट फीस के साथ भर रहे हैं, जनरल से हैं, EBSC हैं, तो आपकी फीस हो गई 3500, और अदर से हैं, कैटेगरी से हैं, आप SC ST PGFPH और EWS वुमेन, तो आपकी फीस होगी 2500 रुपये की, यदि आप 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में फीस जमा करते हैं, क्योंकि लेट फीस के साथ फीस जमा करने की डेट है 5 जनवरी 2020, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। मोड ऑफ टेस्ट, हाँ मोड ऑफ पेमेंट, यह सब ऑनलाइन माध्यम से है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है। अब आते हैं अगली चीज, पैटर्न ऑफ द टेस्ट, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा टेस्ट में, यह समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, 100 नंबर का पेपर होगा और 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 100 नंबर का पेपर 2 पार्ट में होगा डिवाइड, पहले पार्ट में आपके 50 MCQ क्वेश्चन होंगे जो कि आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होंगे, वह होंगे आपके रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग से संबंधित, रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग से संबंधित, और खासकर गुणात्मक टीचिंग से संबंधित, से बोलते हैं क्वालिटेटिव टीचिंग्स, इससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन होंगे MCQ मोड पे, और 50 MCQ क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट बेस पे, और ये सब्जेक्ट आपके मास्टर डिग्री का होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है उस सब्जेक्ट के होंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च टीचिंग के साथ साथ क्वालिटेटिव टीचिंग के होंगे, तो टोटल होंगे 100 क्वेश्चन, सभी होंगे MCQ मोड पे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज कि पेपर जो आपका होना है उसका जो समय दिया गया है वह लगभग 2 से 2.5 घंटा समय दिया गया है, कुछ कुछ जगह पे 2.75 घंटे भी आपको मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय दिया है 11:30 से 2:45 PM तक, 1:45 PM तक, यानी कि लगभग 1-2 घंटा 45 मिनट का आपको समय दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरे प्रवेश परीक्षाओं में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो पेपर होगा आपका Part 1 और Part 2 दो भाग में होगा, उसका समय भी अलग अलग, यानी कि पेपर पहला करने के बाद ही दूसरा पेपर आपको करना है स्टार्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले पेपर का समय दिया गया है 11:00 से 12:15 तक, और दूसरे पेपर का समय दिया गया है 12:30 से 1:45 तक, यानी कि पहले और दूसरे पेपर के बीच में आपको 15 मिनट का अंतराल दिया गया है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगली चीज और महत्वपूर्ण चीज पर, कुछ विशेष डेट्स को लेकर, जैसे कि डेट्स, आप डेट्स को सुन लीजिए। हाँ,
ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो 31 तारीख को आ चुका है वेबसाइट पर, और अंतिम डेट है इसकी 31 दिसंबर तक, और लेट फीस के साथ फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 जनवरी। इस बात को ध्यान रखिए, यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल हो जाती है, कोई जानकारी आपको चेंज करनी है, कुछ करेक्शन करना है, तो उसकी डेट है 5 नहीं बल्कि 6 और 7 जनवरी। 6 और 7 जनवरी को अपने फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ ऐड करना हो तो वह ऐड कर सकते हैं। 14 जनवरी को, जी हाँ 14 जनवरी को अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक नीचे आपको दे दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा। और 17 जनवरी को, जी हाँ 17 जनवरी यानी कि संडे को होनी है आपकी प्रवेश परीक्षा। 5 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की लेट फीस के साथ में। इस बात का ध्यान रखें कि 6 और 7 जनवरी को फॉर्म में कर सकते हैं करेक्शन, कुछ भी बदलाव, लेकिन नया फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 14 जनवरी को आएगा एडमिट कार्ड और 17 जनवरी को है प्रवेश परीक्षा। 19 जनवरी को आपकी आंसर की को कर दिया जाएगा अपलोड, और फाइनली रिजल्ट आपका आ जाएगा 25 जनवरी को। बहुत बड़ा दिन भी है 26 जनवरी, तो आप जानते हैं 25 जनवरी को है नेशनल कंज्यूमर डे, उपभोक्ता दिवस। उस दिन आना है आपका प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम, इस पैट का। जो भी बच्चे प्रवेश परीक्षा देंगे, जो एग्जामटेड नहीं है उनकी नहीं, जो एग्जामटेड नहीं है उनके लिए प्रवेश परीक्षा, एग्जामटेड के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेगा। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, जी हाँ जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनके इंटरव्यू की डेट भी दी है। शेड्यूल नहीं दिया है किस डेट और टाइमिंग पे किसका इंटरव्यू है, डेट दी है इंटरव्यू की, वह है 1 से लेकर 8 फरवरी के बीच में। 1 से लेकर 8 फरवरी के बीच में यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपके होंगे साक्षात्कार, चाहे आपने प्रवेश परीक्षा दी हो चाहे आप एग्जामटेड हो, उन सभी के साक्षात्कार होंगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 1 से लेकर 8 फरवरी के बीच में। और फाइनली रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू और एंट्रेंस और एग्जामटेड स्टूडेंट्स का सभी का कंबाइन करके 15 फरवरी 2020 को, यानी कि इंटरव्यू समाप्त होने के 1 वीक के बाद। और एडमिशन इन कोर्स वर्क, जी हाँ कोर्स वर्क आपका लगभग लगभग फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा, या कहें कि मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि जो भी जानकारी मैंने आपको दी इसको लेकर कोई सवाल कोई समस्या हो तो मुझसे कर लीजिएगा, और कुछ अलग से जानना चाहते हो तो एक हेल्पलाइन नंबर के रूप में विश्वविद्यालय ने रिगार्डिंग कुछ फ़ोन नंबर दिए हैं जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ भी कर सकते हैं संपर्क, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट, उसका PDF फाइल का लिंक, विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक, और रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है कैसे करना है उसका लिंक, तीनों आपको दे चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। अब 2-3 बातें और जान लीजिए जो फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म भरते वक्त जो ध्यान रखनी है उसको सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे स्कैन करके लगाइएगा, कलर में लगाइएगा। पहली चीज, फॉर्म भरते वक्त अपना रजिस्ट्रेशन एक ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त उसके सेकंड या थर्ड स्टेप में आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पर आएगा एक ओटीपी जो आपको करना होगा फिल, उसके बाद जाएंगे आप फॉर्म के अगले स्टेप पर, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे तो याद रखिएगा फोटो होनी चाहिए कलर, और साइन आपको जो अपलोड करना है वह ए क्षमा कीजिए, जो साइन आपको करना है वह ब्लैक पेन से करना है, ब्लू से नहीं, ग्रीन से नहीं, रेड से नहीं, काले पेन से, ब्लैक बॉल पेन से साइन करके किसी भी कागज पे स्कैन करके अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोटो होनी चाहिए कलर, फोटो और साइन का साइज कितना है फॉर्म भरते वक्त आपको पता लग जाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और यदि डॉक्यूमेंट्स जब आप सिनॉप्सिस लेकर जाएंगे इंटरव्यू के दौरान जाएंगे, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके ले जाइएगा। लेकिन फॉर्म भरते वक्त चीज का ध्यान रखिएगा, फोटो और साइन आपको अपलोड करने हैं, लेकिन फोटो के ऊपर साइन मत कीजिएगा और फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ मत लिखिएगा, फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ मत लिखिएगा और फोटो के ऊपर साइन मत कीजिएगा। फोटो ही अपलोड करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर अपलोड करनी है, और जो साइन अपलोड करेंगे वह काले बॉल पेन से किया हुआ होना चाहिए, इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। आपसे मैं बात कर रहा था PhD एडमिशन के विषय में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि कामेश्वर दरभंगा में पड़ती है, इसके लिए कीजिएगा आवेदन। जो भी सूचनाएं मैंने दी इसको लेकर टीका टिप्पणी सवाल हो तो जरूर कर लीजिएगा।
बीच्यू के भी आवेदन आ चुके हैं, 18 दिसंबर उसकी भी लास्ट डेट है, उसका वीडियो बन चुका है, चैनल पर आ चुका है, उसको देख लीजिएगा। उसको लेकर हो सवाल तो जरूर पूछिएगा। इसके बाद आज की डेट में एक और विश्वविद्यालय की पीएचडी के एडमिशन को लेकर मिलेगी आपको जानकारी, उसका कीजिए वेट। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, फॉर्म भरिए, सवाल कीजिए, प्रपोजल बनाइए और टॉपिक को लेकर सवाल हो वह पूछिए। और बहुत से सवाल आ रहे थे क्योंकि अब लाइव करने वाला हूं कुछ हफ्तों के बाद में, तो हर वीक नहीं बल्कि हर 2 दिन पे एक लाइव मिलेगा और आपके सवालों को उठाऊंगा और सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, देश का आनंद लीजिए, सर्दियों का आनंद लीजिए और अपने अपने राज्यों की राजनीति का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, और 1000 करोड़ की संसद का भी आनंद लीजिए। 1000 विश्वविद्यालय तो नहीं है देश में, लेकिन 1000 करोड़ का संसद भवन जरूर बन रहा है। एक फेसबुक लाइव उस पर भी करूंगा क्योंकि उसका संबंध एजुकेशन और विश्वविद्यालयों से है, कैसे है वह भी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और सलाम।